डियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ टीटीएल विथ टोटमपोल आउटपुट तो मिसमें इसको आपको बताऊंगी कि वाई दिस इज कॉल्ड टोटमपोल वाई दिस इज रिक्वायर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या हाउ दिस इज बेटर देन टीटीएल विथ ओपन कलेक्टर फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द वर्किंग सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑन ट्रांसिस्टर की क्या ऑन होगा क्या ऑफ होगा एंड लास्ट में आपको थोड़ा सा वैल्यूज के साथ भी बताऊंगी की वट इज द वैल्यू एट पी पॉइंट और कितनी आउटपुट पे मिलेगी कितनी इनपुट मिलेगी उसके बेसिस पे भी क्लियर करूंगी एंड वट इज द स्टेटस ऑफ ट्रांजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट ठीक है तो सबसे पहले की टीटीएल विथ टोटम पोल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वाई दिस इज नीडेड ठीक है तो इफ यू रिमेंबर तो हमारा जो टीटीएल विथ ओपन कलेक्टर था इन दैट केस दिस पोर्शन वाज नॉट अवेलेबल मींस कि इन ओपन कलेक्टर हम एक पैसिव एलिमेंट यूज करते थे रजिस्टेंस टू पुल पुल अप द आउटपुट ठीक है तो दैट रजिस्टर इज कॉल्ड पुल अप रजिस्टर तो दैट इज रिप्लेस्ड बाई बाई एक्टिव डिवाइस मीन्स की वन ट्रांजिस्टर एंड वन ठीक है तो पहली तो ये हो गई कि क्यों जरूरत पड़ी क्यों क्योंकि जो हमारा ट्रांजिस्टर्स होगा ठीक है उसका इंपीडेंस जो होगा ट्रांजिस्टर के रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा और वो जो कैपेसिटेंस होगा वो ट्रांजिस्टर्स का भी होगा वायर्स का भी होगा तो उसका इंपीडेंस क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा इफ इम्पीडेंस इंक्रीज होगा आरसी की वैल्यू इंक्रीज होगा तो टाइम कॉन्स्टेंट हमारा इंक्रीज होगा मीन्स की हमारा टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा हमारा प्रोपेशन डिले इंक्रीज होगा ठीक है तो और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हाई यूज करते थे इन केस ऑफ ओपन कलेक्टर तो टाइम डिले वॉज मोर इन दिस केस हमने यहां पर एक्टिव एलिमेंट यूज किए और रेजिस्टेंस हमारा बहुत लेस अमाउंट का होगा तो हमारा प्रोपोजेशन डिले लेस होगा ठीक एक तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि पैसिव एलिमेंट इज एक्टिव एलिमेंट ठीक दूसरी चीज इन केस ऑफ टीटीएल वो भी जो था आपका जो लॉजिक लो होता था फॉर लॉजिक लो वोल्टेज रेंज बहुत जीरो टू पॉइंट टू वोल्ट इनपुट पर लॉजिक फॉर लॉजिक हाई वोल्टेज की रेंज क्या होती थी टू पॉइंट फोर वोल्ट टू फाइव बोल तो ये आपको याद रखनी है ठीक अब थर्ड कि ये किस कैटेगरी में आता है तो आपका जो टीटीएम टोटम पोल है दिस इज बी जे टी मीन्स की बाई पोलर जंक्शन लॉजिक फैमिली है ठीक है और वट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका भी सेम है मीन्स की ये आपका जो है क्या है ये बेसिक गेट ये याद रखना है नैंडिगेट है ठीक अब इसमें हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ठीक है ट्रांजिस्टर्स जो है Q1 ये हमारे क्या है मल्टी इमिटेड ट्रांजिस्टर है Q1 जो है वो हमारा क्या है मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर है ठीक है यहां पर मैंने टू इनपुट्स यूज किए हैं ए बी इट कैन बी थ्री फोर और एन आपको जितनी जरूरत हो जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने के ले सकते हो ठीक है ठीक अब इसमें आता है कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड टोटम पोल वाई टोटम पोल बिकॉज टोटम पोल क्यों कहते हैं टोटम पोल क्यों बिकॉज क्यू फोर सिट्स अपॉन क्यू थ्री ठीक है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पोल ठीक है अब वॉट इज द यूज ऑफ डीवन ठीक है जो हमने एक, एक एक्स्ट्रा डायोड यूज किया डायोड डीवन क्या करता है ये इंश्योर करता है ये मेक श्योर sure मेक श्योर दैट ये जो आपके ट्रांजिस्टर हैं दैट क्यू थ्री एंड क्यू फोर डू नॉट कंडक्ट साइमन डेंसली ठीक है ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है ठीक है हमने क्या बता दिया वट इज द फंक्शन ऑफ डी वन वाई दिस इज कॉल्ड देन ओपन कलेक्टर ये चीजें हमारी क्लियर हो गई बाकी रिमेनिंग थिंग्स सेम है ठीक अब अगर हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो मैं इसके टू केसेस लेती हूँ ठीक है फर्स्ट केस हम देते हैं पहले मैं नॉर्मली बताऊंगी फर्स्ट केस में हमने लिया फर्स्ट केस ठीक ये हमारा फर्स्ट केस होगा हमने फर्स्ट केस में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो इनपुट ए एंड बी ठीक है बोथ की वैल्यूज क्या है जीरो जीरो बोथ की वैल्यूज क्या है जीरो जीरो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर है मींस कि अगर हमने किसी भी इनपुट पे जीरो दिया तो उसके करस्पोंडिंग या उसके रिस्पेक्टिव जो बेस बेसमीटर जंक्शन होगा वो क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा यहाँ पर हमने ए और बी दोनों की वैल्यू को जीरो जीरो दिया मीन्स की दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इन दिस केस में जो बेस एमीटर ऑफ Q1 होगा बेस एमीटर जंक्शन ऑफ Q1 होगा वो क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा ठीक है और बेस कलेक्टर जंक्शन बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा ऑफ Q1? वो रिवर्स बायस होगा ठीक है क्या हो जाएगा कि बेस एमीटर जंक्शन ऑफ Q1 फॉरवर्ड बायस बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ Q1 विल बी रिवर्स बायस ठीक है अब जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वीसीसी से जो करंट आएगी वो किसके थ्रू जाएगी इमेटर के थ्रू या तो वो आउटसाइड जाएगी और ग्राउंड हो जाएगी ठीक है आउटसाइड जाके ग्राउंड हो जाएगी तो ऑब्वियसली जब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगी मीन्स कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा क्यू वो कहाँ चला जाएगा कट ऑफ में चला जाएगा ठीक है कहाँ चला जाएगा कट ऑफ में चला जाएगा बिकॉज उसको सफिशियंट करंट नहीं मिलेगी टू कंडक्ट जबकि कंडक्ट होने के लिए नहीं मिलेगी तो हमारे क्यू क्या हो जाएगी ऑफ हो जाएगा ठीक है अभी मैं वैल्यूज भी बताऊंगी कि कितनी वैल्यूज होंगी कि वो कंडक्ट नहीं करेगा ठीक क्यू टू ऑफ हो गया अगर क्यू टू ऑफ हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा मीन्स ये ओपन स्विच हो जाएगा अगर ये ओपन स्विच हो जाएगा तो ऑब्वियस है जो क्यू थ्री का बेस होगा उसको भी करंट नहीं मिलेगी मीन्स की क्यू थ्री भी हमारा क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा ठीक क्यू थ्री भी ऑफ हो गया अब जब क्यू थ्री भी ऑफ हो गया तो यहाँ पर क्या होगा ये ऑफ ये ऑफ ये ओपन स्विच ये भी ओपन स्विच ठीक तो जो वीसीसी है आर टू के थ्रू कहा अप्लाई होगी एट द बेस ऑफ क्यू फोर और बीसीसी जो होगी वो अप्रोक्सिमेटली प्लस फाइव वोल्ट होगी दैट इज सफिशियंट टू कंडक्ट क्यू फोर प्लस डी वन ठीक है तो वो क्या करेगी क्यू फोर को ऑन करेगी तो हमारा जो क्यू फोर है वो ऑन होके कहाँ चला जाएगा सेचुरेशन में एंड डी वन भी हमारा क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा जब Q4 भी ऑन D1 भी ऑन तो हमारा जो आउटपुट Y है वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा VCC से बिकॉज ये दोनों तो क्लोज स्विच हो जाएंगे जब ये क्लोज स्विच हो जाएंगे तो VCC का पाथ क्या मिलेगा Y की तरफ और हमें Y पर क्या मिलेगा VCC मींस की हाई लॉजिक ठीक है वन मोर टाइम इफ बोथ इनपुट्स आर इक्वल टूट टाइम इट्स वर्किंग अब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मैं बता देती हूँ कैसे होगा ठीक है सपोज कि हमारा हमने क्या अप्लाई किया हमने इन दोनों पर अप्लाई किया जीरो 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 मीन्स कि हमने क्या अप्लाई किया पॉइंट टू बोल्ट जब हमने पॉइंट टू वोल्ट अप्लाई किया एट बोथ इनपुट्स तो ये जंक्शन हमारा क्या हुआ फॉरवर्ड बायस मैंने ऑलरेडी टेबल में बताया था जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो जो हमारी फाइव वोल्ट के थ्रू करंट जनरेट होगी उसका ड्रॉप इधर होगा आउटसाइड को ठीक तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी आपका फॉरवर्ड बायस होने के बाद इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा मीन्स की पॉइंट प्लस जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की इज इक्वल टू वोल्ट है है ठीक मींस कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है दैट इज पॉइंट नाइन बोल्ट और हमारा मेन एम क्या है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर वाई से कनेक्टेड है उसे ऑन करना है अगर हमें इसे ऑन करना है तो इसके बेस बेसेमीटर के क्रॉस पॉइंट वोल्ट होनी चाहिए क्यू के बेस क्रॉस बेस सेमीटर के क्रॉस पॉइंट होनी चाहिए और इधर बेस कैरेक्टर की क्रॉस पॉइंट सिक्स होनी चाहिए मींस कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू कंडक्ट क्यू थ्री दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट मींस कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू थ्री सॉरी पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट एट ठीक बट हमारे पास अवेलेबल क्या है पॉइंट नाइन बोल्ट और ये वन पॉइंट रिक्वायर्ड तो हमारा क्या होगा दिस जंक्शन विल बी रिवर्स वायस जब ये रिवर्स वायस होगा तो क्यू टू हमारा क्या हो जाएगा कट ऑफ में जाएगा कट ऑफ में जाएगा मीन ओपन हो जाएगा जब ये ओपन हो जाएगा तो है को करंट या वोल्टेज नहीं जाएगी क्यू थ्री भी हमारा कट ऑफ हो जाएगा ठीक जब ये दोनों हमारे कट ऑफ हो गए तो नाउ इस पॉइंट पे हमारी वोल्टेज क्या होगी जो ये होगी ये वीसीसी से अप्लाई होगी ठीक है अब हमें जो हमें जो क्यू फोर को कंडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी है पॉइंट सिक्स यहाँ पर और इस डायोड के क्रॉस पॉइंट सिक्स मीन्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वन पॉइंट टू बोल्ट की है बट हमें मिल रही है हाई वोल्टेज प्लस फाइव बोल्ट और अप्रॉक्स फाइव बोल्ट बिकॉज थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में होगा तो अप्रोक्सिमेटली हमें फाइव बोल्ट चाहिए और हमें मिल रही है अच्छी खासी तो दैट इज सफिशियंट टू कंडक्ट Q4 फोर बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 1.2 की थी और हमें अप्रॉक्स 5 वोल्ट मिल गई है तो हमारा Q4 क्या होगा ऑन होगा सेचुरेशन में जाएगा Q4 ऑन होगा तो D1 भी ऑन होगा ये भी फॉरवर्ड वायरस हो जाएगा जब ये दोनों हमारे ऑन हो जाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे क्लोज स्विचेज हो जाएंगे क्लोज स्विचेज हो जाएंगे तो वीसीसी हमारी किससे कनेक्ट हो जाएगी वाई से जब वीसीसी हमारी वाई से कनेक्ट हो जाएगी तो हमें वाई पे क्या मिलेगा हाई आउटपुट ठीक हमें वीसीसी पर हाई आउटपुट मिल रहा है दैट्स वाई क्यू फोर को हम क्या कहते हैं क्यू फोर को हम कहते हैं इट इट एक्ट एज करेंट सोर्सिंग सोर्सिंग और फुल ट्रांजिस्टर पुल अप ट्रांजिस्टर क्यों क्योंकि जब ये ऑन हुआ तो हमें आउटपुट पर क्या मिला हाई आउटपुट मिला दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पुल अप ट्रांजिस्टर ठीक है ये मैंने वैल्यूज इनकी शो कर दी थी ए बी पर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्यू टू स्टेटस ऑफ क्यू थ्री क्यू फोर डी वन बाई थी अब सेम केसेज सेम चीज रिपीट होगी फॉर टू मोर कॉम्बिनेशन मीन्स कि अगर हम जीरो वन लेते हैं तो भी हमारा एक भी इनपुट अगर जीरो हुआ तो क्यू वन का दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड वायस और दिस जंक्शन विल बी रिवर्स वायस अगर ये रिवर्स वायस हुआ तो क्यू टू ऑफ होगा मीन्स कि हम रिपीट लिख देते हैं ऑफ ऑफ ये ऑन ये ऑन यहाँ हमें हाई मीन्स कि वन वन मिलेगा ठीक है यहाँ पे वन जीरो कॉम्बिनेशन होगा तो भी यहाँ ऑफ होगा यहाँ ऑफ होगा ये ऑन होगा ये ऑन होगा ये और ये हमें हाई मिलेगा ठीक अब नाउ जो डिफरेंट केस है कि इफ बोथ इनपुट इज इक्वल टू वन अगर हमने दोनों इनपुट को हाई रखा तो क्या होगा ठीक अब हम केस लेते हैं हाई वाला सपोज कि ए इज वन बी इज वन ठीक है अगर हमारे दोनों इनपुट वन वन है इन दैट केस दिस जंक्शन बेसेमीटर जंक्शन क्या हो जाएगा अब रिवर्स वायस हो जाएगा ठीक है ये रिवर्स वायर्स हो जाएगा और दिस जंक्शन दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड वायर्स ठीक है अगर ये जंक्शन हमारा रिवर्स वायर्स हो जाएगा तो इसके थ्रू करंट नहीं जाएगी जो करंट का फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये ऐसे होगी ठीक है ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी कि जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो Q2 के बेस को जा रहा है जब Q2 के बेस को जाएगा, तो Q2 क्या हो जाएगा ऑन ऑन हो जाएगा टू सेचुरेशन में जब ये ऑन हुआ तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जो करंट आई वो कहा जाएगी अब क्यू के बेस को जाएगी क्यू के बेस को जाएगी तो दैट इज सफिशियंट टू कंडक्ट क्यू तो हमारा क्यू भी ऑन होके कहा चला जाएगा सेचुरेशन में चला जाएगा ठीक है अब जब हमारे ये दोनों ऑन हो गए तो एट दिस टाइम पे व्हाट इज द वोल्टेज वैल्यू एट दिस पॉइंट ठीक है इस पॉइंट पे क्या होगी ये जब हमारा फॉरवर्ड वायर्स हो गया ठीक है ये हमारा जब कंडक्ट कर गया दिस पोर्शन ठीक है क्यों टू हमारा कंडक्ट कर दिया तो इसके कलेक्टर इमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी पॉइंट टू बोल्ट प्लस पॉइंट सिक्स बोल्ट मीन्स की हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है पॉइंट एट बोल्ट ठीक है, बट हमें रिक्वायर्ड कितनी थी पॉइंट टू बोल्ट ठीक तो 1.8 पॉइंट एट बोल्ट इज लेस देन वन पॉइंट टू बोल्ट ठीक है मीन्स कि हमारा Q4 क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा ऑफ हो जाएगा मीन्स ये कहाँ चला जाएगा कट ऑफ में चला जाएगा जब ये कट ऑफ में चला जाएगा ये ओपन हो जाएगा तो इसके जंक्शन को पी को कोई करंट नहीं मिलेगी मींस डायोड भी हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा और ओपन ओपन स्विच स्विच हो हो जाएगा जाएगा जब ये हो जाएगा, तो VCC का y से, से. तो इसके जो हो वो कितनी होगी क्यू हमारा ऑन वोल्टेज होगी वो पॉइंट वोल्ट होगी पॉइंट वोल्ट वोल्ट मीन हमें क्या मिलेगा लो मिलेगा ठीक है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हमने क्या देखा कि इफ वन वन हमने अप्लाई किया था दिस जंक्शन वॉज रिवर्स वायर्स दिस जंक्शन वॉज फॉरवर्ड वायस ये जब फॉरवर्ड वायर्स था तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बेस टू कलेक्टेड टू एट द बेस ऑफ क्यू टू क्यू टू के बेस पे अच्छी खासी करंट आई तो उसने क्या किया क्यू टू को ऑन किया अगर क्यू टू ऑन होगा तो ऑब्वियस से क्यू थ्री ऑन होगा क्यू थ्री भी ऑन हो गया तो इस पॉइंट पे इसको सपोज मैं नाम दे देती हूँ तो जो वोल्टेज है दैट इज पॉइंट प्लस वोल्ट जो कि हमारी सफिशियंट नहीं है टू कंडक्ट क्यू फोर तो हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारा क्यू फोर क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा अगर हमारा क्यू फोर ऑफ हो जाएगा तो ऑब्वियस से डी वन भी ऑफ हो जाएगा बिकॉज जब तक ये ऑन नहीं होगा ये कैसे ऑन हो सकता है ठीक ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तो हमारा वीसीसी और वाई का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा जो हमें आउटपुट वाई पे मिलेगी वो वोल्टेज होगी क्यू थ्री के कलेक्टर लिमीटर के क्रॉस मीन्स की लो तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा ठीक है तो दिस इज द टेबल अगर हम ट्रांजिस्टर की स्टेटस को ना देखें तो यू कैन सी जीरो जीरो पर हाई जीरो वन पर हाई वन जीरो पर हाई हाँ, और वन वन पर जीरो मींस की दिस इज द टुथ टेबल ऑफ लैंड गेट तो ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा वर्क कर रहा है एज अ लैंड गेट वन मोर थिंग कि जब ये लास्ट वाला केस हमने जो कंसिडर किया ठीक है इसमें हमारा क्या हो जा रहा है कि करंट जो हमारी फ्लो हुई थी Q2 के बेस से Q3 के बेस पे और फिर उसके थ्रू ग्राउंड हुई थी ग्राउंड हुई थी डेट्स वाई जो Q3 होता है Q3 थ्री इज क्यू थ्री एक्ट एज करेंट सिंक क्योंकि सारी करंट उसके थ्रू क्या हो जा रही है ग्राउंड हो जा रही है ठीक है और इसको हम क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं जैसे इसको हमने कहा था पुल अप ट्रांजिस्टर इसको हम क्या कह सकते हैं पुल डाउन बिकॉज क्यों क्योंकि जब ये ऑन हो रहा है तो आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है लो दैट्स वाइट दिस इज कॉल्ड पुल डाउन ट्रांजिस्टर ठीक है और मैंने बताया ही था डायोड का क्या काम का होता है डायोड अश्योर करता है कि एट द सेम टाइम क्यू फोर और क्यू थ्री ऑन ना हो आधर क्यू फोर ऑन होगा और क्यू थ्री ऑन होगा कोई एक ही ऑन होगा अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास सफिशियंट वोल्टेज होती है टू कंडक्ट क्यू फोर ठीक है तो वो uh, की एक साथ कंडक्ट ना करें दैट्स वाई हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं डी वन को सो so दैट की वोल्टेज ड्रॉप हम प्रोवाइड कर सकें जैसे ही हमने वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड किया ये हमारा सेम टाइम पे ऑन नहीं होंगे थैंक यू सो मच